दोस्तों, स्काईलाइन फाउंडेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इससे पहले कई सारे महाद्वीपों के बारे में बात की है, तो आज ऐसे ही हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, यह कॉन्टिनेंट सीरीज अफ्रीका सभी सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप के बारे में हम श्रृंखला चला रहे हैं केवल आपके लिए। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि स्काईलाइन फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में कई सारे राष्ट्र आते हैं, यानी देश आते हैं। तो अफ्रीका खंड में कई सारे पिछड़े हुए राष्ट्र हैं जो कि छोटे छोटे हैं, और हम उनके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले है अल्जीरिया। अल्जीरिया एक राज्य है, राष्ट्र है सॉरी, उसकी राजधानी है अल्जीरियस। अल्जीरिया से अल्जीरियस उसकी राजधानी है, जो कि एक शहर है, ठीक है, तो उसको राजधानी घोषित किया गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर है एंगोला। एंगोला की राजधानी है न्यूएंडा, ठीक है। न्यूएंडा के बाद में है बेनिन। बेनिन राष्ट्र की राजधानी है पोर्ट नोबो। क्या है? पोर्ट नोबो। और फिर आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना आपने सुना होगा, ये एक फुटबॉल प्लेइंग कंट्री है, तो फुटबॉल काफ़ी खेला जाता है अफ्रीका कंटिनेंट में भी, जो कि हमने साउथ अफ्रीका सॉरी साउथ अमेरिका कंटिनेंट में भी देखा कि ज़्यादातर फुटबॉल प्लेइंग नेशन है, यानी राष्ट्र है। सो हम बोत्सवाना की बात करते हैं। बोत्सवाना की राजधानी है गैबरोन। क्या है? गैबरोन, ठीक है। फिर बाद में आता है बरुंदी। बरुंदी की राजधानी है गीतेगा। क्या है? गीतेगा। उससे पहले एक राष्ट्र छूट गया दोस्तों, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो काफ़ी क्या बोलते चर्चा में था, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन सभी देशों में हमारा राष्ट्रपति जा चुके हैं, ठीक है। तो बुर्किना फासो में हाल ही में राष्ट्रपति की विजिट हुई थी, तो उसकी राजधानी है ओगा डोगू। क्या है? ओगा डोगू उसकी राजधानी है। फिर आता है बरुंदी। जैसे हमने बरुंदी की पहले भी इससे पहले बात की थी, बरुंदी की राजधानी है गीतेगा। फिर आता है कैमरून। कैमरून एक राष्ट्र है, उसकी राजधानी है याउंडे। क्या है? याउंडे। फिर बाद में आता है केप वर्दी। केप वर्दी की राजधानी है प्रईया। क्या बोलेंगे आप? प्रईया। फिर आता है सेंट्रल अफ्रीकन ऑफ रिपब्लिक। यह एक काफ़ी फेमस अफ्रीका का नेशन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसकी राजधानी है बैनगुई। क्या है? बैनगुई। फिर आता है चाड। चाड यह भी एक फेमस राष्ट्र है, ये फुटबॉल भी खेलता है शायद, और उसकी राजधानी काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है उसका, जुआमेना। क्या बोलते हैं उसको? जुआमेना, ठीक है। फिर आता है कैमरोज। कैमरून और कैमरोज में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कैमरोज है और वो कैमरून है। कैमरून की राजधानी है याउंडे और कैमरोज की राजधानी है मोरोली। क्या है? मोरोनी, ठीक है। फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यह भी एक काफ़ी फेमस राष्ट्र है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जो कि हाल ही में विवाद में था कि यहाँ पे कुछ दंगे चल रहे थे, ठीक है। तो उसकी राजधानी है किशांसा। क्या है? किशांसा, ठीक है। तो उसकी राजधानी किशांसा। फिर आता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यह रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो राष्ट्र है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ही एक पार्ट था, जो कि अभी अलग नेशन कहलाता है, ठीक है। तो उसकी राजधानी है ब्राजाविल। क्या है? उसकी राजधानी ब्राजाविल। दोस्तों, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपने देखा था वहाँ पे एक राष्ट्र है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या थी? ब्राज़ीलिया। दोस्तों, आपको याद है ना, रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। तो उसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। तो इससे आप ये नेशन भी ध्यान में रख सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी राजधानी है ब्राज़ाविल। क्या है? ब्राज़ाविल।
फिर आता है जिबोटी। जिबोटी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे साउथ यानी दक्षिण तट पर स्थित है एक राष्ट्र है और उसकी राजधानी है जिबोटी सिटी। जिबोटी सिटी एक शहर है, इनका सिटी है और उनको उस स्थल को राजधानी घोषित किया है। फिर आता है इजिप्ट। इजिप्ट को आप सभी जानते हैं, विश्व में सबसे प्रसिद्ध है इजिप्ट एक राष्ट्र, और यहाँ पे पैरामिड वगैरह की जो भी स्थापत्य कला है उसमें महान माहिर कारागिर मिलते हैं, ठीक है। तो उसकी राजधानी है कैरो। क्या है? कैरो इजिप्ट की राजधानी, ठीक है। फिर आता है इक्वाटोरियल गिनिया। इक्वाटोरियल गिनिया एक राष्ट्र है, उसकी राजधानी है मलाबो, ठीक है। आपने गिनिया शब्द बहुत बार सुना होगा क्योंकि गिनिया पापुआ न्यू गिनिया है, कई सारे राष्ट्र के नाम में गिनिया आता है। तो इक्वाटोरियल गिनिया ये एक राष्ट्र है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप में है और उसकी राजधानी है मलाबो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और आगे के राष्ट्र के बारे में बात करते हैं जो कि साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है। तो दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा है लेकिन आशिया खंड सबसे बड़ा है, आशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। आप आशिया के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा राष्ट्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र के बारे में हम देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। तो अगला है राष्ट्र इरिट्रिया। क्या है? इरिट्रिया, उसकी राजधानी है अस्मारा। फिर आता है इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है एडिस अबेबा। क्या बोलेंगे आप? एडिस अबेबा। फिर आता है गैबॉन। गैबॉन की राजधानी है लिब्रेविल। क्या है? लिब्रेविल। फिर आता है गैम्बिया, फिर उसकी राजधानी है बेंजुल। क्या बोलते हैं? बेंजुल। फिर आता है काफ़ी फेमस राष्ट्र है अगला घाना। घाना की राजधानी है एक्रा, क्योंकि घाना एक फुटबॉल प्लेइंग सक्सेसफुल प्लेइंग नेशन है और काफ़ी फेमस और अच्छा प्रदर्शन करता है फुटबॉल क्षेत्र में, ठीक है। तो फिर बाद में आता है गिनिया। आपने अभी ही सुना था इक्वेटोरियल गिनिया, उसके बाद में है ये गिनिया राष्ट्र जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और उसकी राजधानी है कोनाक्री। क्या बोलते हैं? कोनाक्री। फिर आता है गिनिया बिसाऊ। गिनिया बिसाऊ एक राष्ट्र है, उसकी राजधानी है बिसाऊ। गिनिया और बिसाऊ, और गिनिया आप कई बार सुनेंगे क्योंकि गिनिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत से राष्ट्र का नाम है नाम में है। तो उसके बाद में है केनिया। केनिया की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। क्या है? नैरोबी। फिर आता है लिसोथो। लिसोथो की राजधानी है मासेरू। क्या बोलेंगे? मासेरू। फिर आता है लाइबेरिया। लाइबेरिया आपने बहुत बार सुना होगा जो कि हाल ही में चर्चा का विषय रहता है, ठीक है। तो या सो क्या बोलेंगे उसकी राजधानी का नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, यामोसा ओक्रो। क्या बोलेंगे? यामोसा क्रो, यामोसा क्रो, ठीक है। फिर बाद में है लीबिया। लीबिया भी एक काफ़ी फेमस राष्ट्र है, ठीक है। उसकी राजधानी है त्रिपोली। क्या बोलेंगे हम? त्रिपोली। फिर आता है मडागास्कर। मडागास्कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एक राष्ट्र है और आशिया कॉन्टिनेंट में भी है जो कि एक द्वीप है, ठीक है। मडागास्कर, उसकी राजधानी है अनंतनानरिवो। क्या बोलेंगे हम? अनंतनानरिवो, ठीक है। फिर आता है मलावी। मलावी राष्ट्र की राजधानी है लियाम्बे। क्या बोलेंगे हम? लियाम्बे। उसके बाद में है माली राजधानी सॉरी माली राष्ट्र। माली राष्ट्र की राजधानी है बमाको। क्या है? बमाको। फिर आता है मोरितानिया। क्या है? मोरितानिया। मोरितानिया की राजधानी है नाककोट। क्या है? नाककोट, ठीक है। उसके बाद में है मॉरिशियस। मॉरिशियस काफ़ी सुंदर राष्ट्र है। मॉरिशियस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। फिर आता है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है रबाट। क्या है दोस्तों? रबाट। फिर हम बात करते हैं दोस्तों
अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अगले राष्ट्रों के बारे में, जो कि और दोस्तों इस महाद्वीप में काफ़ी सारे राष्ट्र हैं, तो आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, जो कि है मोजाम्बिकी। क्या है? मोजाम्बिकी। मोजाम्बिकी यह एक राष्ट्र है जो कि जिसकी राजधानी है मोपेटो। क्या है? मोपेटो। क्या है? मोपेटो। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों नामीबिया। नामीबिया आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी फेमस राष्ट्र है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से। ठीक है, तो उसकी राजधानी है विंडहोक। क्या बोलेंगे आप? विंडहोक। फिर आता है दोस्तों नाइजर। ठीक है, नाइजर की राजधानी है नियाम्बे। ठीक है, नियाम्बे, नियाम्बे। ठीक है, फिर आते हैं नाइजीरिया। नाइजर से ही नाइजीरिया बना हुआ है दोस्तों। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। क्या है? अबुजा। नाइजीरिया में हाल ही में कई प्रकार के वायरसेस देखे गए, जो कि काफ़ी फेमस वायरस था एक, जो कि बहुत जगह पर फैला नाइजीरिया में, जो कि इबोला नामक वायरस था। ठीक है, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ भी खाने से वो फैलता है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पशु पक्षी खा लेते हैं, इस कारण से वो वायरस फैला था। ठीक है, उसके बाद में रवांडा। रवांडा की राजधानी है किगली। ठीक है, किगली जो कि एक राजधानी है रवांडा की। ठीक है, काफ़ी अच्छा राष्ट्र है रवांडा भी, लेकिन पिछड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आता है साओ टोम एंड प्रिंसिपी। साओ टोम एंड प्रिंसिपी एक महाद्वीप है, और प्रिंसिपी और साओ टोम ये दोनों क्षेत्रों को मिलाकर यह राष्ट्र बनता है दोस्तों, तो और उसकी राजधानी है साओ टोम। ठीक है, संयुक्त में साओ टोम राजधानी रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में है सेनेगल। सेनेगल की राजधानी है दकार, उसको आप दकार भी बोल सकते हैं और डाकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी राजधानी है डाकर। फिर आता है सिचिलिस। सिचिलिस की राजधानी है विक्टोरिया, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसकी राजधानी रखी गई है। ठीक है, फिर आता है सियारा लियोन। सियारा लियोन एक राष्ट्र है, उसकी राजधानी है फ्री टाउन। फ्री टाउन, फ्री तो समझते हैं ना, फ्री टाउन। ठीक है, फ्री टाउन एक राष्ट्र की राजधानी है, जो कि सिचिलिस की है। ठीक है, सियारा लियोन की है। ठीक है, फिर आता है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम फोकस करते हैं अगले राष्ट्र के बारे में, जो कि सबसे अच्छा राष्ट्र है दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, मेरे ख्याल से दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छा राष्ट्र है दक्षिण अफ्रीका, जो कि बहुत ही अच्छा देश है। ठीक है, और उसकी तीन राजधानियां हैं। तीन राजधानी इसलिए दोस्तों क्योंकि इन्होंने डिवाइड, विभाजित करके रखा है अपनी राजधानियों को अलग अलग पैरामीटर्स में। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम उसकी सबसे पहली राजधानी, जो कि है प्रिटोरिया, जो कि कार्यकारी राजधानी है, वही से सब काम चलते हैं, राजधानी मुझे स्तर के, राजधानी स्तर के सभी काम और प्रिटोरिया राजधानी से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों केप टाउन। केप टाउन एक विधायी राजधानी है, जहाँ की जहाँ विधानसभा वगैरह सभी लॉज वगैरह के लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है ब्लोएम फंटेन। ब्लोएम फंटेन एक न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी माने तो यहाँ पर न्यायालय और न्यायालय के सभी वर्क किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा, जुबा। ठीक है, उसके बाद में है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड की दो राजधानी है समर एंड विंटर, दुबकाला और यही वाले की तरफ। ठीक है, मबाबेन और लोबाम्बा। ठीक है, ये दो राजधानियां है। ठीक है, उसके बाद में आता है टांजानिया। टांजानिया की राजधानी है दोडोमा। ठीक है, उसके बाद में आता है टोगो राष्ट्र। टोगो राष्ट्र की राजधानी है लोम। ठीक है, उसके बाद में है ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया की राजधानी है ट्यूनिस। ठीक है, उसके बाद में आता है युगांडा।
युगांडा काफ़ी फेमस राष्ट्र है, बहुत ही चर्चा में रहता है। उसकी राजधानी है कैंपाला। क्या है? कैंपाला। उसके बाद में आता है जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। क्या है? लुसाका। उसके बाद में है इस कॉन्टिनेंट का सबसे लास्ट राष्ट्र और जो कि है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन है और उसकी राजधानी है हरारे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बारे में जानकारी। तो दोस्तों महाद्वीप के बारे में जानकारी थी, और मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी ये कॉन्टिनेंट के बारे में जानिए और अच्छे से पढ़िए और उनको याद कीजिए। और दोस्तों मैं इसी के साथ इजाज़त लूँगा। जाते जाते एक बात कहूँगा कि स्काईलाइन फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन मार दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।